बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 24 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति के लिए धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर और जीवन में बड़े बदलाव भी होंगे और बड़े अवसर भी मिलेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा, इसलिए ये वर्ष आने वाला साल आपके लिए बहुत सुंदर दिख रहा है। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, इसलिए उनको देखकर कुछ जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बदल जाएंगी तो आप जानेंगे कैसे। देखिए, जैसे कुंडली अगर आप देखते हैं तो उसमें ग्रह दशाएं बदलती रहती हैं, चाहे विंशोत्तरी दशा हो, चाहे योगिनी दशा हो, जो भी दशा हो वो बदलती रहती है। वैसे ही हाथ की जो सहायक रेखाएं हैं, जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, द्वीप बन जाते हैं, तारे बन जाते हैं, पर्वत पे क्रॉस हो जाता है, ये जो बनता है ना, ये दशाओं के हिसाब से बदलता रहता है, या आपके मेंटल लेवल के हिसाब से हाथ में रेखाएं आती जाती रहती हैं। लेकिन ये सहायक रेखाएं होती हैं जो बदलती हैं। जैसे कुंडली के ग्रह नहीं बदलते, हाथ की जो मुख्य रेखा है, जीवन रेखा है, हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हिपैटिका है, स्वास्थ्य की रेखा है, ये कभी नहीं बदलती। हाथ की मुख्य रेखाएं, जो मुख्य फीचर्स हैं, वो कभी नहीं बदलते। हाथ की सहायक रेखाएं बदलती हैं, ये बात जरूर है। अगर आपकी संतान की संगति ठीक ना हो, दोस्ती यारी ठीक ना हो, दोस्तों यारों के चक्कर में बिगड़ रहा हो, गलत रास्ते पे जा रहा हो, संगति उसकी हटानी हो, संगति से उसे बचाना हो, तो क्या करेंगे, रोज सवेरे माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति सूर्य देव के सामने बैठ करके या खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये रोज करेंगे। हर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करके प्रार्थना करेंगे, और अगर ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हो तो और भी अच्छा है। मंगलवार को निर्धनों को लाल फल का, जैसे सेब का, अनार का, गाजर का, इसका अगर दान करेंगे और लगातार लंबे समय तक करते जाएंगे ये उपाय, तो आपके संतान की जो बुरी संगति है उससे आपकी संतान सुरक्षित रहेगी। देखिए, जहां तक संभव हो मंगलवार को सौंदर्य प्रसाधन खरीदने से बचना चाहिए। खास तौर से अगर आप सुहागन स्त्री हैं तो आपको सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये मंगलवार को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में अशांति पैदा होगी। सुहाग की सामग्री खरीदने के लिए, श्रृंगार प्रसाधन खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन शुक्रवार का है। शुक्रवार को खरीदना ज्यादा बेहतर होगा।